हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लास्ट क्लासेस में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और सभी तरह के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट प्लांट्स जो थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फूड प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट एंड टिम्बर एंड फाइबर यील्डिंग प्लांट्स को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम उसी तरह इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे एनिमल्स जो हमारे लिए इकोनॉमिकली कैसे हैं इम्पोर्टेंट हैं। हम इसमें तरह तरह के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनको पाला जाता है, उनसे हमें कौन से बेनिफिट्स होते हैं या कौन सी बेनिफिशियल थिंग्स हमें उनसे प्रोवाइड होती हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्रॉम एंशियंट टाइम ह्यूमन बींग्स हैव ऑब्टेंड फूड एंड अदर यूजफुल मटेरियल फ्रॉम वेरियस एनिमल्स बाई डोमेस्टिकेटिंग दैम। पुराने टाइम से ही ह्यूमन्स ने कई सारी चीज़ें कहाँ से ली हैं, एनिमल्स से ली हैं, उनको डोमेस्टिकेट करके मतलब पालतू बनाकर। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी रियरिंग ऑफ वेरियस डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ न्यू स्पीसीज एंड वेराइटीज़ हैज़ बिकम वेरी ईजी एंड प्रॉफिटेबल। नई नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होने से जो तरह तरह के डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी नई नई वेराइटी और स्पीसीज़ अवेलेबल हो जाती हैं, जिनसे प्रोडक्शन या यील्ड भी ज़्यादा मिलता है। जैसे कोई गाय पहले कम दूध देती थी तो उसके हाइब्रिड बनाकर एग्जॉटिक ब्रीड्स होती हैं, एक इंडिजीनियस देसी ब्रीड और विदेशी ब्रीड को मिलाकर हाइब्रिड बना लिए जाते हैं जो ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन कर सके। इसी तरह हर एनिमल में ब्रीडिंग करवा करवा के अपने अकॉर्डिंग जो भी हाई यील्ड वाली वैरायटी होती हैं वो प्रोड्यूस करवा ली जाती हैं। वेरियस एनिमल्स सच एज हनी बी, सिल्क वॉर्म, लैक, कोरल रीफ, सीटीसी, फिश एंड एनिमल रियरिंग एंड ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एडवांस वैरायटीज इज एज फॉलोज। अब यहाँ आप कौन कौन से एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हनी बी के बारे में हम पढ़ेंगे, सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, हम कोरल रीफ के बारे में पढ़ेंगे, लैक के बारे में पढ़ेंगे, फिशेज के बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे, उनकी एडवांस वैरायटी के बारे में। सबसे पहले आता है एपिकल्चर। एपिकल्चर में हम हनी बीज के बारे में पढ़ते हैं, मधुमक्खियों का जो रियरिंग है, मधुमक्खियों को जो पाला जाता है उसको हम एपिकल्चर कहते हैं। देखिए, हनी बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में पॉलिनेशन करवाने के लिए हनी बी इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, फ्लावर्स का जो मेल पार्ट होता है उस पर पॉलिनेटर होते हैं छोटे छोटे, जैसे एक किसी फ्लावर का मेल पार्ट है उस पर छोटे छोटे पॉलिनेटर होते हैं, तो वहीं दूसरे फ्लावर का कोई फीमेल पार्ट है तो ये पॉलिनेटर्स इस फीमेल पार्ट में अंदर जाएंगे, तब ये फर्टिलाइजेशन या आकर होता है फ्लावर की ओवरी में जब ये चले जाएंगे। तो इन पॉलिनेटर्स का यहाँ तक पहुँचने के कई रीज़न होते हैं, जैसे एयर के थ्रू पहुँच जाते हैं, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के थ्रू पहुँच जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा इन पे हनी भी आके बैठती हैं फूलों पे, तो वो फूलों पर इनका रस खींचने आती हैं फूलों का, और इनके पैरों में पॉलिनेटर चिपक जाते हैं और फिर ये जाकर यहाँ बैठ जाती हैं दूसरे फूल पर, तो वहाँ वो पॉलिनेटर चांसेस होते हैं कि फीमेल पार्ट में गिर जाते हैं, तो इस तरह पॉलिनेशन अकर होता है। तो इस पॉलिनेशन को करवाने में हनी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन डबल बेनिफिट बाय रियरिंग दिस। ह्यूमंस को डबल बेनिफिट होता है हनी बी का रियरिंग करके। बाय रियरिंग हनी बी द पॉलिनेशन प्रोसेस बिकम वेरी इजी बाय विच प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप इज इंक्रीज। अब जितने ज़्यादा सीड जर्मिनेट होंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो पॉलिनेशन ज़रूरी है उनके लिए, और पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स का एक जगह से एक फूल से दूसरे फूल पर जाना ज़रूरी है, तो ये पॉलिनेटर करवाने में हेल्पफुल होती है हनी बी। इसलिए हनी बी का रियरिंग करने का, उनको पालन करने का, रियरिंग मतलब उनको पालना, उसके दो फायदे हैं। एक तो वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं जिससे अपनी फसल अच्छी होती है, और दूसरा हनी ऑब्टेंड फ्रॉम हनी बी इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हनी जो निकलता है हनी बी से उनको ह्यूमंस सालों से क्या करते हैं, यूज़ करते आ रहे हैं। शहद हमेशा से यूज़ आता जा रहा है, मीठा करने के लिए चीज़ों को, या दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है, ये कॉस्मेटिक में भी यूज़ किया जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट में भी यूज़ होता था। इट इज़ हाई एनर्जी कंटेनिंग फूड आइटम एंड इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। एक तो इनमें एनर्जी अच्छी होती है शहद में, और ऊपर से इसमें मेडिसिन में भी ये यूज़ हो जाता है। तो दो फायदे हो गए, एक तो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं हनी और हनी भी, और एक हनी का प्रोडक्शन करती है। ड्यू टू लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी दिस इज़ स्टोर्ड एंड यूज फॉर प्रिजर्वेशन। इसको यूज किया जाता है चीज़ों को संभाल के रखने के लिए, क्योंकि शहद कभी ख़राब नहीं होता, इसलिए इसके अंदर भी चीज़ें रख दी जाएँ तो वो भी कभी ख़राब नहीं होती। इन एंशियंट टाइम हनी कॉम्स फाउंड इन नेचर हैव बीन यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग इन हनी एंड बी वैक्स। अब हनी के अलावा एक बी वैक्स और निकलता है जो क्रीम वगैरह बनाने में यूज़ होता है,
तो पहले तो नेचुरल जो छत्ते होते थे उन पर ही ये निकाला जाता था हनी। एट प्रेजेंट रियरिंग ऑफ हनी बीज इन आर्टिफिशियल कॉम्स इज प्रैक्टिस्ड लार्जली एंड हनी इज बीइंग ऑब्टेन इन लार्ज अमाउंट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हनी बी का आर्टिफिशियल कॉम्ब में आर्टिफिशियल छत्ते बना दिए जाते हैं, उनमें हनी अपने आप आ जाती हैं, फिर उनका रियरिंग वहाँ वो शहद प्रोड्यूस करती हैं हनी, और उसको यूज़ किया जाता है क्योंकि नेचुरल तो वो जब अपने उनको पॉसिबिलिटी उनकी कंडीशन उनके फेवरेबल होंगी तभी बना पाएंगी वो नेचुरल कॉम्ब। तो प्रोडक्शन ऑफ हनी बी, अब हनी बी का प्रोडक्शन कैसे होता है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये कैसे इनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, कैसे इनको पाला जाता है। इट इज़ मेंबर ऑफ ऑर्थोपोडा ग्रुप इंसेक्ट ऑफ एपोइडिया सब ग्रुप। ऑर्थोपोडा ग्रुप इंसेक्ट की एपोइडिया सब ग्रुप में ये आती हैं। दीज आर वेराइटीज़ ऑफ हनी बीज सच एज एप्स इंडिया, इंडिया है ये, एप्स फ्लोरा, एप्स डोरसेटा एंड एप्स मेलीफेरा। हनी बी की ये वेराइटी होती हैं एप्स इंडिया, एप्स फ्लोरा, एप्स डोरसेटा और एप्स मेलीफेरा। ये जिनके आगे एपिस लिखा हुआ है, ये APIS होता है एपिस, तो ये एपिस वो हनी बी होती है जिनसे हनी प्रोड्यूस होता है। तो हम हनी एपिकल्चर में हम उन्हीं हनी उन्हीं मधुमक्खियों की रियरिंग करते हैं जिनसे हमें हनी मिलता है। जनरली एपिस मेलीफेरा इज चूजन फॉर रियरिंग। तो रियरिंग के लिए जनरली कौन सी चूज़ की जाती है, एपिस मेलीफेरा चूज़ की जाती है क्योंकि इससे हनी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और इसको जो न्यूट्रिशन देना पड़ता है वो भी कम देना पड़ता है। इन बिग कॉम्ब ऑफ हनी बीज द नंबर ऑफ हनी बीज इज मोर बाई विच वी ऑब्टेन मोर हनी। जितना बड़ा छत्ता होगा उतना ही ज़्यादा उसमें हमें हनी होंगी, हनी बी होंगी और उतना ही ज़्यादा हमें हनी मिलेगा। इन द हनी कॉम्ब ऑफ ए हनी बी देर आर 3 टाइप्स ऑफ हनी बी सच एज वर्कर, मेल एंड क्वीन। हनी कॉम्ब जो होता है हनी बी का, उसमें 3 तरह की मधुमक्खियाँ रहती हैं। देखिए, एक होती है वर्कर, एक होती है मेल और दूसरी एक होती है क्वीन। ये 3 तरह की होती हैं। अब ये क्यों है ऐसी, ये आपको पता चलेगा। इन दीज वर्कर्स आर इन 1000 नंबर, मेल आर फ्यू इन नंबर एंड देर इज़ ओनली 1 क्वीन हनी बी। वर्कर बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें हज़ारों में, मेल कम होते हैं थोड़े और क्वीन केवल एक होती है एक हनी कॉम्ब में। मेल हनी बी हैव बिग आइज एंड फीमेल हनी बी हैज़ बिग एब्डमन। मेल जो मधुमक्खी होती है उसकी आंखें बड़ी होती हैं और फीमेल जो होती हैं उनका पेट बड़ा होता है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड इफ सीन केयरफुली, उनको ध्यान से देखकर हम पहचान सकते हैं। ड्यू टू स्मेल ऑफ सीक्रेशन मटेरियल हनी कॉम्ब इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेल हनी बीज। देखिए, सीक्रेशन मटेरियल स्मेल, मेल हनी बी एक मटेरियल सीक्रेट करते हैं, स्राव करते हैं उसका, निकालते हैं उसको बाहर, जिसमें से एक स्मेल आती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा हनी कॉम्ब क्या होता है, कंट्रोल में होता है। क्योंकि जो वर्कर होते हैं वही काम करते हैं, क्वीन काम नहीं करती और मेल काम नहीं करते, केवल वर्कर काम करते हैं। वर्कर वहीं से कंट्रोल होते हैं उस स्मेल से। ड्यू टू दिस कंट्रोल वर्कर्स रिमेन इन हनी कॉम्ब एंड डू दियर वर्क, क्योंकि वर्कर इसी स्मेल से कंट्रोल होते हैं और अपना काम वहाँ करते हैं। इन एंशियंट टाइम हनी बी रियरिंग वाज प्रैक्टिस्ड बाई कीपिंग रिवर्स द होलो स्टेम ऑफ द ट्रीज। पुराने टाइम में हनी बी कैसे रियरिंग उनकी कैसे की जाती थी, खोखले जो तने होते थे पेड़ों को उनको उल्टा रखकर। एट प्रेजेंट टाइम रियरिंग ऑफ हनी बी इज डन बाई मेकिंग आर्टिफिशियल कॉम्ब्स फ्रॉम क्लोज्ड बॉक्सेज। आज के टाइम में इनको कैसे किया जाता है, आर्टिफिशियल कॉम्ब बना दिए जाते हैं क्लोज बॉक्सेज में। ऐसे बॉक्स होते हैं उसमें ऐसे ऊपर कवर होता है, इसमें छेद बने होते हैं जगह जगह जहाँ से हनी अंदर मीठी चीज़ रख दी जाती है, कुछ भी फूलों का रस रख दिया जाता है रेडीमेड निकाल के, चीनी का पानी रख देते हैं, तो इसकी सुगंध से अपने आप यहाँ हनी आती चली जाती है और वो इकट्ठी हनी भी आती जाती है और वो यहाँ इकट्ठी हो जाती है और ये एक तरह का हनी कॉम्ब बन जाता है आर्टिफिशियल। इन आर्टिफिशियल कॉम्ब देर आर बिग ब्रॉड चैम्बर एंड लेयर ऑफ वैक्स कोटिंग, प्लास्टिक प्लेट्स और मेटल प्लेट्स फिटेड इन द बॉक्स। क्या होता है, देखिए आर्टिफिशियल कॉम्ब में बड़े बड़े चैम्बर या जगह बनी होती हैं और वैक्स कंटेनिंग प्लास्टिक प्लेट, वैक्स मतलब जिसको अट्रैक्ट होती है जिससे हनी, तो ऐसी प्लास्टिक या मेटल की प्लेट रख दी जाती हैं। आजकल पॉलीथीन भी रखी जाती हैं भर के पानी उनमें मीठा, जिससे क्या होता है हनी वहाँ अट्रैक्ट होती हैं। देर आर मैनी होल्स इन द वैक्स, फ्रॉम दीज होल्स हनी बीज कैन कम एंड गो आउटसाइड ईजली। वो उसमें कई सारे होल बने होते हैं जहाँ से हनी आराम से अंदर और बाहर आ जा सकती हैं। क्वीन बी डज नॉट कम आउट, क्वीन बी कभी भी बाहर नहीं आती है।
मेल बीज प्रोवाइड स्पर्म टू द क्वीन फॉर द एंटायर लाइफ। मेल बीज का केवल एक काम होता है फर्टिलाइजेशन करवाना क्वीन बी का, वो बस स्पर्म प्रोवाइड कराते हैं कंटिन्यूसली हनी बी को, वो क्वीन को, जिससे वो लगातार बर्थ देती रहती है मोर बीज को। आफ्टर दिस इधर मेल बीज डाई ऑटोमेटिकली और दे गो आउटसाइड फ्रॉम द कॉम। इसके बाद या तो सीधे मर जाती है हनी मेल बी होती है जो, या फिर वो कॉम छोड़कर चली जाती है। क्वीन बी गिव्स टू टाइप ऑफ एग्स। अब क्वीन बी दो तरह के एग देती है, दो एनेस्थिया एग्स हुज लार्वा इज फेड रेगुलरली फ्रॉम लार्ज जेली नेम्ड न्यूट्रिशन फूड आर कन्वर्टेड इनटू द क्वीन बी। देखिए एक रॉयल जेली टाइप का फूड होता है, तो जिन लार्वा को जिन एग्स को ये खिलाया जाता है लगातार, वो तो बड़ी होकर क्या बनती हैं, क्वीन बी बनती हैं। एंड द रिमेनिंग लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू वर्कर बी, और बचे हुए सारे क्या बन जाते हैं, वर्कर बी बन जाते हैं जिनको ये रॉयल जेली नहीं खिलाई जाती। द वर्कर बी हैव ए पॉइजनस स्टिंग विच इज़ यूज्ड बाय दीज बीज फॉर रेफरेंस डिफेंस फ्रॉम एनिमी। वर्कर बी जो होती हैं उनका डंक होता है जहरीला, जिसकी मदद से कोई भी एनिमी आता है, कोई भी छत्ता तोड़ने आता है या फिर अदर कोई एनिमल इनको हंट करना चाहता है, तो ये उसको डस लेती हैं और नुकसान पहुँचाती हैं, जिससे ये खुद के कॉम्ब की सेफ्टी करती हैं। वर्कर बी कलेक्ट द मैक्रान फ्रॉम द फ्लावर्स एंड आफ्टर कन्वर्टिंग दिस इनटू हनी दे कीप दिस इन द ब्रैकेट ऑफ द हनी कॉम्ब। देखिए हनी कॉम्ब ऐसे ब्रैकेट्स बने होते हैं उसमें, तो जब मैक्रान या फूलों से उनका रस खींच लिया जाता है तो वो उसको आके यहाँ स्टोर करती हैं, और स्टोर करके उनको किस में बदलती हैं, वो हनी में बदलती हैं। ये वर्कर बी का काम है। मेल बी का काम क्या है, क्वीन बी को फर्टिलाइज करती हैं। क्वीन बी का काम क्या है, नए वर्कर बी और नई क्वीन बी बनाना। बाय रिमूविंग द प्लेट्स फ्रॉम द बॉक्स हनी एंड बी वैक्स आर कलेक्टेड। अब जो प्लेट्स हमने रखी थी उन पे हनी आ जाता है और ऐसे ही बी वैक्स बनता जाता है वहाँ। उस मैक्रान से दो चीज़ें बनती हैं, एक तो हनी बनता है और एक बी वैक्स बनता है, मोम की तरह होता है बी वैक्स। उन दोनों को प्लेट निकाल के कलेक्ट कर लिया जाता है इन हनी। हनी में क्या क्या होता है, देखिए ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज मिनरल्स एंड अदर मटेरियल्स आर प्रेजेंट। ये सब हनी में प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज मिनरल्स एंड अदर मटेरियल्स। ये आपका एपिकल्चर इस तरह कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं अपन। एपिकल्चर में रियरिंग ऑफ हनी बी दो चीज़ों के लिए की जाती है, एक तो पॉलिनेशन करवाती हैं ये, और दूसरा हनी प्रोड्यूस करती हैं, बी वैक्स भी प्रोड्यूस करती हैं। पहले नेचुरल की जाती थी, आजकल इनको आर्टिफिशियल भी किया जाने लगा है। नेचुरल में पुराने टाइम में इनको आर्टिफिशियली करने के लिए हम होलो स्टेम ऑफ ट्री यूज़ करते थे, आजकल हम बॉक्सेज में बनाने लग गए हैं। तीन तरह की होती हैं, वर्कर मेल और क्वीन। वर्कर सारा फूलों से रस खींच के लाती हैं, वो काम करती हैं। मेल का काम होता है फर्टिलाइजेशन करवाना क्वीन का, और मेल एक सीक्रेशन भी करते हैं स्मेल का, जिससे उनके स्पर्म से, जिससे सारे वर्कर भी क्या रहती हैं, कंट्रोल रहती हैं। और उसके बाद क्वीन बी का काम रॉयल जेली बनाने का होता है। क्वीन बी दो तरह के एग देती है, जिनको रॉयल जेली मिल जाती है वो तो क्वीन बनती हैं, जिनको रॉयल जेली नहीं मिलती वो वर्कर बनती हैं। वर्कर भी मैक्रान कलेक्ट करती हैं फ्लावर से, और जिसको हनी में बदलकर हनी कॉम्ब के ब्रैकेट में रख दिया जाता है। बाय रिमूविंग द प्लेट्स फ्रॉम द बॉक्स हनी एंड बी वैक्स आर कलेक्टेड। जब इन प्लेट्स को निकाल लिया जाता है बॉक्स में से, तो यहाँ से हनी और बी वैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है। इन हनी ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज मिनरल्स ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये आपका एपिकल्चर यहाँ ख़त्म हो जाता है। कल हम सिल्क वॉर्म के रियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम सेरी कल्चर कहते हैं।